मंगल सूत्र नंबर 3। मंगल सूत्र नंबर 3 का मतलब है कि ये जो सूत्र क्रमवश दिए हुए हैं उसमें 2 नंबर के सूत्र में 3 मंगल उत्तम है और जो 3 नंबर का सूत्र है उसमें भी 3 मंगल उत्तम है। ये टोटल कुल मिला के 38 बताए जाते हैं। 38 अपने हिसाब से जैसे भी कोई गिने, 38 भी हो सकते हैं, 37 भी हो सकते हैं, 36, मगर 38 ही काउंट होते हैं। 38 के नाम से फेमस है 38 मंगल मुत्तंग सूत्र। उसमें जो ये चौथा सूत्र है और पांचवा छठा, वो मैं आज आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि आपके गले में जो मंगल सूत्र पड़ा हुआ है उसमें 38 मन के 38 मणि 38 रत्न 38 मोती होते हैं काले रंग के, जो पीले धागे में होते हैं, जो आपको याद करने की एक परंपरा बना दी है। बेसिकली ये सभी के लिए होते हैं, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे नर है या नारी है। पुराने समय में हर एक व्यक्ति को ये 38 जो मन के हैं या जो ज्वेल हैं, जो रत्न हैं, वो सीखने होते थे और उन पर चलना होता था। गृहस्थों के लिए ये जरूरी था कि वो 38 मंगल उत्तम जो सूत्र हैं उनको याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, उनको माने, जिससे उनका जीवन हमेशा के लिए सुखपूर्वक हो जाए और कभी उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। तो यहाँ जो ये जो सूत्र नंबर 3 है वो इस प्रकार है, पति रूप देशवासो च तुब्बे च कतपुञ्यता अत सम्मापणिधि च एतंग मंगल मुत्तंग मुत्तमंग। पति रूप देशवासो च, पति रूप देशवासो च का जो मतलब है यहाँ बहुत सिंपल और बहुत बढ़िया है। पति जो शब्द है उसको पति भी बोलते हैं, यानी पति या पति, इसका मतलब होता है पति वासो, पति का पति रूप का मतलब होता है योग्य और सही, यानी बिल्कुल अनुरूप, ठीक, एकदम अनुकूल, अनुकूल रूप से, प्रति रूप से, सम्यक रूप से, सही रूप से, ठीक क्या होना चाहिए। देशवासो, देश माने होता है राज्य, डिस्ट्रिक्ट, शहर, कस्बा, इसको देश बोला जाता है, और वासो माने रहना, च माने और। यानी पहला नियम यह है कि जो बिल्कुल ठीक है रहने के हिसाब से, योग्य है, अनुकूल है, जो जगह, जो शहर, जो गांव, जो कस्बा, जो राज्य, जो देश, जो देहात, जो जगह सही रूप से बिल्कुल ठीक है, वहां वास करना चाहिए, यानी कि सम्यक और सही जगह वास करना चाहिए। अब ये जो सम्यक और सही जगह है वहां रहना चाहिए, ये बहुत व्यापक है। अगर आपको ध्यान हो तो भगवान बुद्ध ने जो ये बात कही है वही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि जिस जगह आपको इज्जत ना मिले, जिस जगह आपको सम्मान ना मिले, जिस जगह आपको काम ना मिले, जिस समय असमानता हो, ऊंच नीच हो, भेदभाव हो, जहां मनुष्य को मनुष्य ना समझते हो, जहां आपको फंडामेंटल राइट्स यानी बोलने का, धन रखने का, संपत्ति खरीदने का, चुनाव लड़ने का, प्रमुख बनने का, एजुकेशन हासिल करने का, पढ़ने का, ये मनुष्य के बराबर मनुष्य जितने राइट हैं वो अगर नहीं आपको मिलते हैं, कहीं आपको सुविधाएं नहीं है आगे बढ़ने की, आगे बढ़ने के मौके अगर आपके छीन लिए जा रहे हैं और जबरदस्ती घपला करके, षड्यंत्र करके आपके जो मौके हैं या जो आपका अधिकार है, जो आपका नंबर है, उसको अगर खत्म किया जा रहा है और वहां आपको नहीं मिल पा रहा है, या जहां बेइज्जती होती है, जहां आपको मनुष्य के बराबर नहीं समझा जाता है, या जहां सुरक्षा नहीं है, आपको खतरा महसूस होता है रात को आते जाते या सोते, या हर समय डर रहता है, या आपको जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजन आपको निम्न स्तर का या बेकार मिलता है, या आपको वहां पर बहुत गंदे कामों में रहने के लिए कहा जाता है कि आपको काम करने के लिए सिर्फ गंदे ही काम है, तो वो जगह रहने लायक नहीं है, वो जगह ठीक नहीं है, सम्यक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए तुरंत, बिना इस लालच के कि ये मेरा मकान है, ये मेरा आंगन है, इसका मैं क्या करूं, उसका पैसा मिलता हो या ना मिलता हो, उस जगह को छोड़ के वहां जाना चाहिए जहां आपको सारे अधिकार, सारे राइट, और जहां आपको सुरक्षा, खाना, और जहां सब चीज आपको हेल्थ वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह, अस्पताल वगैरह मिलते हो। ये देखो कितने कमाल की बात है कि ये जो मंगल मुत्तंग सूत्र है उसका ये चौथा सूत्र है जो बाबा साहब ने कितना विस्तृत रूप से बताया हुआ है, और यही आशय भगवान बुद्ध का भी है कि आपको जो बिल्कुल अनुकूल है, जो बिल्कुल ठीक है, जो सम्यक है, उस जगह, उस राज्य, उस देश, उस स्थान पे रहना चाहिए। यह है महामंगल सूत्र नंबर 4। पुब्बे च कतपुञ्यता, पुब्बे च कतपुञ्यता, पुब्बे माने होता है पहले, च माने और कतपुञ्यता का मतलब है कत माने किया हुआ, यानी काम किया हुआ, कार्य किया हुआ, और पुञ्यता माने होता है जो पुण्य है, यानी कि पुण्य आपने किए हैं पहले। अब यहां ये जो पांचवा महामंगल सूत्र है उसमें ये कहा जा रहा है
कि पहले के किए हुए जितने भी पुण्य कार्य हैं वो होने चाहिए। अब किसी व्यक्ति को अगर आज ये कहा गया है कि पहले आपके कौन से पुण्य कार्य हैं तो उसे पता नहीं। यहां दो बातें हैं इसकी, एक तो यह है कि जन्म के साथ जो कार्य आते हैं वो होने चाहिए, वो हमारे हाथ में अभी तो है नहीं क्योंकि जन्म तो हो चुका है। जो पहले अगर पुण्य काम किए हैं तो पुण्य काम किए होंगे उनका फल अच्छा मिलेगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं है तो पुण्य काम अब करने चाहिए ताकि आगे वालों को मिले। तो अब अगर पुण्य काम करेंगे तो आगे वालों को कैसे मिलेंगे इसे समझ लीजिए। मेरे पिताजी ने पूरे जीवन भर धम्मपद पढ़ा, वो भगवान बुद्ध का धम्मपद पढ़ते थे और सुबह को साधना तपस्या भी करते थे और बड़े शांत थे, कोई व्यभिचार नहीं करते थे, अपना गृहस्थ जीवन के सारे काम पूरे करते थे, जो जिम्मेदारियां थी वो निभाते थे, उनका खाना बहुत सात्विक था और कोई उनमें व्यभिचार था नहीं, उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी, सिंपल सादा आदमी थे और जो जीवन के लिए आवश्यक मेहनत करने का काम है वो लगातार करते थे नियम से, मैंने कभी उनको काम चोरी करते हुए देखा नहीं। तो उनकी ख्याति और उनका जो पुण्य कर्म जो उन्होंने किया उसका फल हमारे परिवार के हर एक मेंबर को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये लेखराज सिंह के बेटे हैं, बस ये नाम ही काफी है क्योंकि वो बहुत सज्जन और बहुत पुण्यवान व्यक्ति थे। तो इसका मतलब जो पूर्व में पुण्य काम किए हैं वो मेरे पिताजी ने किए हैं, जो उसका फल मुझे अब मिल रहा है, और मैं जो अब ये पुण्य काम करूंगा या अच्छे काम करूंगा उसका फल मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को या मेरे परिवार को मिलेगा कि सुधीर दास जी ने जीवन में पुण्य काम किया तो ये फल है और अगर पाप कर्म किए तो उसका ये फल है, फल दोनों के ही आएंगे। यहां भगवान बुद्ध कहते हैं 5वें नंबर के महामंगल सूत्र में कि आपने पुण्य काम इकट्ठे करने हैं, अच्छे काम इकट्ठे करने हैं, पुराने अच्छे काम अपने आप हो जाएंगे क्योंकि जो आपके काम है वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को मिलेंगे। इसलिए पुराने अच्छे कामों का होना जरूरी है, पुराने अच्छे काम हो, ये 5वां महामंगल सूत्र है। 6ठा है अत सम्मा परिधि च, अत सम्मा परिधि च, अत माने होता है स्वयं और सम्मा माने होता है सही, अत सम्मा परिधि च, और परिधि माने होता है पण, माने होता है प्रण, और परिधि माने होता है निश्चय या संकल्प धारण करना। आपने देखा होगा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, यानी कि उसमें प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो वचन होता है उसको प्रण बोलते हैं, प्रण ना जाए, प्राण जाए पर प्रण ना जाए, प्रण को पाली में पण बोलते हैं, पण का मतलब है जो आपने निश्चय किया है, जो संकल्प किया है उसको पण बोलते हैं, और परणधि का मतलब है पण का धारण करना यानी संकल्प का धारण करना, पण को शर्त भी बोलते हैं, पण माने दुकान भी होती है, तो पण का अगर धारण कर लिया तो परणधि हो गया, परणधि, परणधि का मतलब है कि इसने संकल्प धारण कर लिया, और सम्मा का मतलब है, पाली में सम्मा बोलते हैं और हिंदी में सम्यक यानी राइट, बिल्कुल सही, तो सही संकल्प मैं जो करूं वो सही संकल्प करूं, ये है महामंगल सूत्र नंबर 6। अब इसमें सम्यक क्यों शब्द लगाया है, सम्मा क्यों लगाया है, खाली संकल्प भी बोल सकते थे अत परिधि, अत परिधि हो सकती, सम्मा की जरूरत नहीं थी, मगर भगवान बुद्ध इतने ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे कि उनको बहुत भविष्य का भी आभास था और उन्होंने पहले जो अपने भूत में देखा वो भी देखा कि लोगों ने कैसे जानकारियों का मिसयूज किया है, यानी कि जो ज्ञान है, जैसे परमाणु बम बना, दो परमाणु कि जो जानकारी है कि दो परमाणु अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं, जब वो आपस में मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, अणु बनाते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और अगर एक अणु के दो टुकड़े करते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। ये जब ज्ञान पूरा आ गया दुनिया के अंदर तो दो तरह के लोग दुनिया में आए, एक तो जो सम्मा थे, सम्यक थे, सही थे, उन्होंने इसका फायदा उठाकर परमाणु के बिजली घर बनाए जो लोगों का कल्याण करते हैं, जिससे ये कैमरा चलता है, ये लाइट जलती है, और कुछ लोगों ने जो खराब लोग थे, जो सम्मा नहीं थे, जो असम्मा थे यानी असमता वाले लोग थे, उन्होंने उसके परमाणु बम बनाए, परमाणु बम बनाए अपने ही मनुष्य को खत्म करने के लिए, अपनी ही जाति को खत्म करने के लिए, जाति मतलब जन्म को खत्म करने के लिए, मनुष्य के अस्तित्व को खत्म करने के लिए, यानी खुद के अस्तित्व को खत्म करने के लिए परमाणु बम बना दिए। तो भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से ज्ञात था कि जो जानकारी उन्होंने खोजी है प्रकृति से, जो जानकारी उन्होंने पाई है, उसका असम्यक यूज भी हो सकता है। इसलिए पहली बार भगवान बुद्ध ने, उससे पहले कभी किसी ने सम्मा का या सम्यक का इस्तेमाल नहीं किया, राइट का इस्तेमाल नहीं किया, सबने जानकारी ऐसे दी जो पुरानी जानकारी थी, मगर भगवान बुद्ध की जानकारी में खास बात है
कि सारी जानकारियों में सम्यक शब्द लगा हुआ है और उनको कहते भी सम्मासम बुद्धस्य हैं, यानी कि सही और बराबर करने वाले बुद्ध हैं। तो सम्यक यहाँ बहुत जरूरी शब्द है। सम्यक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो बुद्ध की फिलॉसफी है, जो बुद्ध की जानकारी है, बुद्ध की जानकारी को ही ग्रहण कर सीख कर कुछ लोगों ने बुद्ध की जानकारी को ही खत्म कर दिया, बुद्ध को ही खत्म कर दिया, उनकी फिलॉसफी को ही उल्टा कर दिया। यानी उन्होंने बताया कि आपको शराब नहीं पीनी है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको व्यभिचार नहीं करना है, आपको नशा पता नहीं करना है और आपको किसी भी हालत में जो झूठ नहीं बोलना है। मगर यही पांचों बात उनके सिद्धांत से ली और यही बात भारत के लोगों को जबरदस्ती कराई गई और सिखा दी। शराब पीना सिखा दिया, चोरी सिखा दी, रिश्वत लेना सिखा दिया, व्यभिचार सिखा दिया, नशा सिखा दिया, झूठ बोलना सिखा दिया और उनका पतन हो गया, भारत का पतन हो गया, भारत ही खत्म हो गया। आज पूरी दुनिया में भारत का हर मामले में नंबर सबसे नीचे आता है। तो धम्म के समय में जब धम्म सम्यक इस्तेमाल किया गया अशोक के समय में, तो भारत का नाम सबसे ऊपर था। और जब इसी धम्म की जो धारा थी उसको मोड़ के उसको उल्टा किया गया, सम्यक बनाया गया सम्यक से, तो भारत जमीन में चला गया, भारत गुलाम हो गया। जो लोग आए वही इसको रौंदते चले गए, इसको गुलाम होते चले गए, क्योंकि सत्य में शक्ति होती है, झूठ में कोई साथ नहीं देता। तो लोगों ने भी कहा जाओ मरो, हम तुम्हारे साथ नहीं आते क्योंकि तुम भी ठीक नहीं हो। तो उन शासकों का लोगों ने साथ भी नहीं दिया, शासकों को छोड़ दिया, ऐसे झूठे लोगों को छोड़ दिया, ऐसे मक्का लोगों को छोड़ दिया। इसलिए यहाँ सम्मा परिनिधि के बारे में बात हुई है कि सम्मा परिनिधि होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक शर्त होनी चाहिए, सम्यक बात होनी चाहिए मनुष्य के अंदर, जिससे कि उसका मंगल हो, मंगल उत्तम हो, मंगल उत्तमंग हो। एतंग मंगल मुत्तमंग, ये मंगल में उत्तम है, यानी मंगलों में ये उत्तम है। ये है महामंगल मुत्तमंग या महामंगल सूत्र नंबर 6। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है, मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है, जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगल सूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए, ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत्र की डालते हैं ताकि मंगल सूत्र बिके और व्यापार चले। क्योंकि मंगल सूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है, तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगल सूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगल सूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगल सूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के, यानी कि जो नर हैं और नारी हैं, दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगल सूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगलसूत्र का मतलब है जो कल्याण करे, यानी मंगल। और सूत्र यहाँ बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन, ऐसी बात जो आपका कल्याण करे। और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूत्र हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूत्र। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगल सूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं, और 19 मणि इधर हैं काले रंग की, काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं। और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगल सूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए, जो बाद में आया तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं।
ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगल सूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म सा रहेगा, चाहे वो सांस लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगल सूत्र है या महामंगल सूत्र है, वो सारे मंगल सूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा। Shalom.